फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोकियोमेट्री होता क्या है? तो स्टोकियोमेट्री का मतलब, अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है या केमिकल रिएक्शन की इंफॉर्मेशन है, तो पहले तो हम केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। समझ आया? केमिकल रिएक्शन होगा या केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स में लिखा होगा, तो वो इंफॉर्मेशन से केमिकल रिएक्शन बनाएंगे। केमिकल रिएक्शन बनाने के बाद उसको हम करेंगे बैलेंस। अच्छा, बैलेंस कैसे करना है? दैट यू नो वेरी वेल। अब आपको पता है कैसे बैलेंस करना है। आपने 10th में पढ़ा था कि जो सबसे बड़ा आइटम है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, पहले वहां से स्टार्ट करना है बैलेंसिंग, ऐसा पढ़ा था हमने। तो कहने का मतलब है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर हमारे पास कोई वर्ड्स लिखे या रिएक्शन लिखा है, तो रिएक्शन को सबसे पहले क्या करना है? बैलेंस करना है। हाँ, लिखना है, पहले रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे वर्ड्स को, और फिर उसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद स्टोकियोमेट्री विल टेल अस दैट कितना रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट बना रहा है। सो स्टोकियोमेट्री ये बताएगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स क्या है, मास क्या है, मास मतलब मास और वेट को केमिस्ट्री में सेम लेते हैं, ग्रेविटेशन कंसिडर नहीं करते हैं, वॉल्यूम कितना है और मॉलिक्यूल्स कितने हैं, बिकॉज वी नो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हमें पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब जितना रिएक्टेंट लोगे उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट में जितने भी ग्राम होंगे उतने ही ग्राम प्रोडक्ट में बनने चाहिए, ओवरऑल। इज इट सो? हाँ, वीडियो चालू है ना? ठीक है, वीडियो चालू है, कॉल आ रहा है, वीडियो चालू है, ओके। तो हाँ, स्टोकियोमेट्री का मतलब क्या, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको पहले बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि कितने रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब कितने रिएक्टेंट मतलब क्या क्या, मोल्स पता चलेंगे, मास पता चलेगा, वॉल्यूम पता चलेगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल मतलब एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन पता चलेंगे स्टोकियोमेट्री से। तो वर्ड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है पर मतलब बहुत ईजी है। तो स्टोकियोमेट्री बेस्ड सम हमारे एग्जाम में पूछते हैं। अब उसमें तीन मेथड है टोटल, एक तो मास मास, मास वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉल्यूम। पहले आपको यह समझ आ गया स्टोकियोमेट्री क्या है? मैंने क्या समझाया वो समझ आया आपको? कि हमारे पास कोई रिएक्शन है तो रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद ये जो नंबर आया CaCO3 का वो 1 आया, तो हमने सपोज कर लिया वो 1 मोल है। ये 2 है तो हमने सपोज कर लिया 2 मोल है, ये 1 मोल, ये 1 मोल, ये 1 मोल। अच्छा, अब मोल का मतलब तो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि मोल एक ब्रिज है दैट टेल्स अस रिलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मास या फिर वॉल्यूम ऑफ अ गैस, जो भी कंपाउंड है उसका वॉल्यूम कितना है। तो मोल से हम क्या क्या निकाल पाएंगे? तो एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, फिर उसका वेट क्या है, मास क्या है, मतलब अमाउंट क्या है, और उसका वॉल्यूम क्या है। समझ आ गया? तो अगर हमारे पास मोल आ गए तो हम तीन चीजें फाइंड कर लेंगे, एक तो उसका वेट फाइंड कर लेंगे, एक तो उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम में फिर लिखा होना चाहिए 22.4, क्योंकि STPA पे ही वो फॉर्मूला काम करता है, और फिर हम मॉलिक्यूल निकालेंगे। तो स्टोकियोमेट्री से क्या क्या निकाल सकते हैं, समझ आ गया आपको? दैट्स ग्रेट। अब इसको क्या है कि 500 तरीके से बोल सकते हैं। ऐसा बोल सकता हूं, 1 मोल से 1 मोल CaCO3 2 मोल HCl खर्च करेगा, तब 1 मोल ऑफ CaCl2 1 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ CO2 बनेगा। या फिर ऐसा बोल सकता हूं, अगर 6.022 10 to the power 23 CaCO3 वो 2 into 6.022 10 to the power 23 से करेंगे, तब 6 समझ गए होंगे आप। हाँ, इसका जो मोलर मास है वो निकालेंगे, तो 100 ग्राम ये 73 ग्राम ऑफ HCl से करेगा, तो ये इतना बनेगा, ये इतना बनेगा, ये इतना बनेगा। इसका 22.4 लीटर वॉल्यूम, इसका 44.8 लीटर, समझ गए होंगे आप। दैट्स ग्रेट। हाँ, तो स्टोकियोमेट्री से क्या पता चलेगा? पहले स्टोकियोमेट्री से क्या करना है, तो पहले रिएक्शन लिखना है, बैलेंस करना है, फिर हमें मोल पता चलेंगे, मोल के बाद अमाउंट पता चलेगा, पार्टिकल्स जान पाएंगे हम, और वॉल्यूम निकाल लेंगे। हाँ, अमाउंट, मास, वेट सब सेम है। ये भी बहुत इजी, N2+3H2 gives 2NH3, एक मोल है, तीन मोल है, दो मोल है। अब एक मोल है मतलब उतना ही लीटर, तीन मोल है मतलब (3) करेंगे, और टू मोल है मतलब 2 करेंगे, और फिर मैंने बता दिया क्या करना है आगे। चलो ठीक, अब स्टोकियोमेट्री के सम्स जो हमारे नीट में आएंगे वो आएंगे दो मेथड से, एक तो सिंगल रिएक्टेंट बेस और मोर देन 1 रिएक्टेंट बेस। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई सम पूछा है, जैसे ऐसा कुछ लिखा है, A+B gives C+D,
तो सिंगल रिएक्टेंट बेस का मतलब ये हुआ आपके पास डेटा है ना, वो एक रिएक्टेंट का ही गिवन होगा। जैसे मैं लिख दूं ये दो है, ये तीन है, ये एक है, ये तीन है, तो ये ऑलरेडी रिएक्शन था हमारे पास, हमने क्या किया उसको बैलेंस किया, और बैलेंस करने के बाद देखो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जैसे कि ये आए बराबर, और आपको जो सम पूछा है उसमें क्या होगा, दो रिएक्टेंट है ना इसमें, इस रिएक्शन में उसमें से एक का ही डेटा होगा, पर वो सम्स बहुत इजी है तो वो सम्स नीट में नहीं होंगे, समझ आया। उसका रीजन है कि दो रिएक्टेंट में एक का ही डेटा गिवन है तो फिर उससे ही प्रोडक्ट फाइंड हो जाएगा, पर अगर दोनों का डेटा होगा तो आपको फिर उसमें से लिमिटिंग रिएजेंट क्या है वो निकालना पड़ेगा, तो उसका कैलकुलेशन थोड़ा टफ और ट्विस्टेड है। तो फिर ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि अगर ए 12 ग्राम है तो सी कितना बनेगा, तो 6 ग्राम बनेगा, क्योंकि डायरेक्ट मैंने बोला इसका अमाउंट और इसका अमाउंट दिया ही नहीं, मैंने खाली एक ही अमाउंट दिया है, अब एक का अमाउंट ही है मतलब इसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बन रहा होगा, तो अगर ये 2 है तब ये 1 है, तो अगर ये 12 ग्राम है तो ये जनरली 6 ग्राम होगा। अभी हम बोल रहे हैं कि भाई उसका वेट भी सेम होगा, तब वैसे जनरली क्या करना है कि एक का डेटा गिवन है ना तो पहले उसके मोल फाइंड करने, फिर मोल से रिलेशन निकालना है और फिर वेट फाइंड करना है। हमने क्या बोल दिया 12 ग्राम है तो 6 ग्राम हो गया, पर ऐसा हर बार नहीं भी होगा क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट तो अलग अलग होता है। कहने का मतलब समझ गए आप कि सम्स दो टाइप के आएंगे, एक तो 2, 3, 4, 5 जितने भी रिएक्टेंट है उसमें एक ही रिएक्टेंट का डेटा गिवन होगा, तो बहुत इजी है वो रिएक्टेंट का डेटा जो गिवन है उसको जिसका पूछा है डेटा उससे कनेक्ट कर दो, मतलब अगर सी का पूछा है तो ए को सी से कनेक्ट कर दो, बी का पूछा है तो आप लिखो 2 है तब 3 है तो जो मोल आए उसमें कितना, अगर डी का पूछा है तो लिखो 2 है तो 3 है तो जितने मोल आए जो डेटा होगा, डेटा मतलब क्या क्या होगा, अमाउंट होगा, वॉल्यूम होगा या फिर मॉलिक्यूल होंगे, तो अमाउंट होगा तो क्या करोगे अपॉन मॉलिक्यूलर वेट तो क्या आ गया मोल, फिर वॉल्यूम है तो बाय 22.4 तो क्या आ गया मोल, पार्टिकल है तो क्या करोगे एवोगैड्रो नंबर तो क्या आ गया मोल, तो फिर लिखोगे 2 में 3 है तो वो जो फाइंड किया मोल उसमें कितना, फिर इसका क्या फाइंड होगा मोल फाइंड होगा, फिर मोल से क्या फाइंड करोगे जो भी पूछा है अमाउंट पूछा है वॉल्यूम वापस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मॉलिक्यूल वेट तो अलग अलग होगा ना कंपाउंड का, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर। तो कहने का मतलब है सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे। अब बात करते हैं 2 या 3 दिए हैं तो फिर क्या फाइंड करना पड़ेगा LR, क्या फाइंड करना है लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बाकी रहा वो सब एक्सेस रिएजेंट होगा। तो सम्स दो टाइप के आएंगे, एक तो सिंगल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बेस, और 2 के डेटा होंगे 3 के डेटा होंगे तो आपको LR फाइंड करना पड़ेगा फिर। वो कैसे करते हैं वो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। हाँ बोलो बोलो क्या हुआ, ये नहीं दिख रहा है, मनन बोल नहीं रहा तू भाई। ओ कोई बात नहीं, ठीक है चलो थैंक यू, तो लेट हो गया थोड़ा, ठीक है चलो ओके। अब क्या कर सकते हैं, एक्चुअली लेक्चर जो है ना वो 11th बच्चों को काम आएगा, आपको भी काम आएगा, यूट्यूब पे डालूंगा तो, पर वो तभी काम आएगा जब आप ऑलरेडी एक बार इसको पढ़ चुके हो। ऐसा मैं इस तरीके से ही पढ़ा रहा हूँ अभी, मतलब एकदम नीचे नहीं जा रहा, क्योंकि एकदम नीचे जाऊंगा ना तो क्या है कि एक चैप्टर कंप्लीट करने में 15 लेक्चर लगते हैं मेरे को, 1.5 घंटे के 15 लेक्चर। अब वो यहाँ पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमें क्या करना है, MCQ भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, तो मैं थोड़ा तो जल्दी जा ही रहा हूँ। अच्छा तो समझ आ गया स्टोइकोमेट्री क्या है, वो समझ आ गया स्टोइकोमेट्री से क्या पता चलेगा वो समझ आ गया, और स्टोइकोमेट्री के सम कैसे हैं पता चल गया। 2 मेथड्स आएंगे, एक का डेटा होगा दूसरा फाइंड करना होगा, 2 का डेटा है तो फिर LR फाइंड करना पड़ेगा। अब सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड उसमें 3 टाइप के सम आएंगे, मास मास, मास वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम, ये मैंने बता दिया। मतलब क्या, एक का मास पूछा है, एक का मास गिवन है, दूसरे का मास पूछा है, तो एक का मास गिवन है उसके मोल्स फाइंड करेंगे, फिर वो स्टोइकोमेट्री को करेक्ट करेंगे, 2 है तो 3 है तो जो मोल आया उससे कितना, तो इसका मोल आया, इसका मोल आया तो मोल इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो इससे वेट फाइंड करेंगे। ये मास 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 वॉल्यूम, एक का मास दिया होगा दूसरे का वॉल्यूम पूछा होगा, तो एक का मास गिवन है उसका पहले क्या फाइंड करोगे, मोल फाइंड कर लोगे, फिर
वो कनेक्ट करोगे टू में थ्री, तो ये मोल में कितना, तो वापस मोल आएगा। फिर मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम वॉल्यूम समझ गए, एक का वॉल्यूम गिवन है, दूसरे का वॉल्यूम पूछा है, जिसका वॉल्यूम गिवन है अब क्या करेंगे पता है, अब हम मोल फाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम में क्या है, नीचे वो वैल्यू फिक्स है 22.4, तो पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा तो वही। तो इसमें ऐसा कर सकते हैं क्या करें, ये दो है और ये तीन है, तो ये 20 लीटर है तो 30 होगा। वॉल्यूम वॉल्यूम में मोल फाइंड करने की जरूरत, क्योंकि वॉल्यूम में जो मोल है ना उसमें फॉर्मूला फिक्स है, नीचे होता 22.4। तो अगेन रिपीट करेंगे, एक का मास होगा दूसरे का मास फाइंड करना है, एक का मास होगा दूसरे का वॉल्यूम फाइंड करना होगा, या फिर वॉल्यूम दिया होगा मास फाइंड करना होगा, और वॉल्यूम दिया होगा वॉल्यूम फाइंड करना होगा। पर ये सम्स की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 ज्यादा कम है, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा इसलिए। अब आए इसका मेथड क्या है, वो मैंने बता दिया मेथड क्या है, पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है, फिर मोल्स फाइंड करने हैं, या फिर वॉल्यूम फाइंड करना है, और फिर रिक्वायर्ड कैलकुलेशन करना है। ठीक है चलो, वो तो एग्जैक्ट करेंगे तो पता चलेगा, अभी ये तो हवा में ऐसे बातें हो रही है, मतलब कंसेप्ट समझ रहे हो आप कैसे होता है, एग्जैक्ट करोगे तो पता चलेगा कि भाई कैसे करना है। देखो एक दो सम फटाफट देख लेते हैं, यहाँ पे जो सॉल्ट है वो देख लेते हैं जल्दी, क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंबशन रिएक्शन जो है ना वो जनरली ऐसे होते हैं, मतलब सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड होते हैं, और कंबशन जब लिखा हो तो फिर आपको चार इक्वेशन याद होने चाहिए जो मैंने आगे आपको लिखवा दिए थे, और यहाँ पे अब लिखवा देता हूँ क्योंकि इन लोगों ने नहीं लिखे हैं इसलिए। अल्केन का कंबशन, अल्कीन का कंबशन, अल्काइन का कंबशन और बेंजीन का कंबशन, इन सबका हमने इक्वेशन लिखा था। ठीक है, तो सबका जनरल फॉर्मूला आपको पता ही है ना, पता है ना। अल्केन का क्या बताओ, CN H2N प्लस 2। कंबशन करेंगे तो ऑक्सीजन कितने खर्च होंगे, ये किसका कंबशन का इक्वेशन है, अल्केन का, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन कुछ भी। ठीक, जैसे ब्यूटेन पूछा है तो क्या लिखेंगे बताओ, C4H10, 8 प्लस 2 10, अच्छा 4, 4 3 जा प्लस 1 13 बाय 2 O2 गिव्स 4 CO2 प्लस, समझ आ गया। तो अल्केन का कंबशन जो है वो ये इक्वेशन फॉलो करेगा, तो इक्वेशन बैलेंस बैलेंसिंग ही मैंने लिख दिया है यहां पे। चलो ये अल्केन के बारे में चर्चा हो गई, बोलो अल्किन में क्या होगा फॉर्मूला, CnH2n प्लस 3n बाय 2O2 गिव्स NCO2 प्लस NH2O, ये अल्किन का कंबशन है, किसी भी अल्किन का कंबशन इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, याद रखना। ठीक, अल्काइन, अल्काइन में CnH2n माइनस 2 प्लस 3n माइनस 1 बाय 2O2 गिव्स NCO2 प्लस N माइनस 1 H2O, ये किसका कंबशन है, अल्काइन का। और क्या बाकी रहा, एरिन, एरिन मतलब बेंजीन, तो बेंजीन में क्या था बोलो, बेंजीन में याद है C6H6 प्लस 15 बाय 2O2 गिव्स 3CO2, 6 होगा ना क्योंकि 6 कार्बन है, प्लस 3 वाटर, देख लो तो बैलेंस है, कार्बन 6 है, हाँ 6 है, हाइड्रोजन 6 है, हाँ 6 है, डन। ऑक्सीजन 15 है, 15 है, डन, 12 3 15, और ये 32 15, डन है, यस। तो अल्केन अल्किन अल्काइन एरिन, इसका कंबशन होगा तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होगा, और उसमें से एक का डेटा होगा, मास होगा, मास फाइंड करना होगा, मास होगा, वॉल्यूम फाइंड करना होगा, वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम फाइंड करना होगा, मास 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 वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, समझ आ गया, दैट्स ग्रेट। पर ये बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, चलो आगे बढ़ते हैं, ये मैं आपको भेज दूंगा स्क्रीनशॉट खींच के, रहने दो अभी, आप समझ आ गया ना। और वैसे तो इसमें समझ आ गया क्या, समझना क्या, ये तो याद रखना है कि अल्केन का कंबशन ये इक्वेशन फॉलो करता है, करता है तो करता है, ये तो याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं हो सकता भाई। चलो ठीक है, अब देखो ये सम देखो आप,
क्या है, हाउ मच Fe कैन बी थ्योरेटिकली ऑब्टेन इन द रिडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ Fe2O3। तो देखा मैंने बोला था स्टेटमेंट होगा, पहले इक्वेशन लिखना पड़ेगा, इक्वेशन लिखने के बाद बैलेंस करना पड़ेगा, फिर इजी है। हाउ मच आयन, मतलब आयन मतलब Fe कैन बी ऑब्टेन, मतलब Fe बन रहा है, मतलब Fe प्रोडक्ट है। रिडक्शन ऑफ, रिडक्शन मतलब जिसका करना है रिडक्शन, उसमें हाइड्रोजन ऐड करना है, किसका रिडक्शन करना है, Fe2O3 का। तो इक्वेशन क्या बना, Fe2O3 प्लस H2 गिव्स Fe प्लस वाटर। तो ये इक्वेशन बना दिया हमने, अब इसको बैलेंस करना है। तो पहला काम हमने इक्वेशन बनाया, दूसरा काम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद दिया क्या है और पूछा क्या है उसको कनेक्ट करो। तो हाउ मच आयन, मतलब ये पूछा है, दिया क्या है Fe2O3, तो Fe2O3 1 है तब Fe2 है, तो इसका जितना मोल होगा उससे डबल होगा, इसके मोल कितने होंगे। तो मोल के लिए हमें क्या दिया है, हमें वेट दिया है, कितना 1 kg, 1 kg मतलब 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम अपॉन इसका जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा, Fe का होता है 56, Fe का वेट होता है 56, तो उसके अकॉर्डिंग इसका मॉलिक्यूलर वेट निकल के आ जाएगा। तो 1000 बाय क्या करेंगे उसका मॉलिक्यूलर वेट, तो क्या आया, मोल्स आ गया। अब क्या लिखेंगे, अगर ये एक है तो 2 बन रहे हैं, तो जितने मोल आए उसमें कितने बनेंगे, हाँ तो क्या आया फिर, आंसर क्या आया, मोल आया। फिर मोल आएगा तो क्या करेंगे, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा मॉलिक्यूलर वेट Fe का कितना है 56, उसे मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके उसके ग्राम आएंगे, लाइक दिस। सी पहले हमने मोल्स फाइंड किए, फिर जो मोल्स है उसको डबल कर दिए, मतलब इसको डबल कर दिए डायरेक्ट, तो ये मोल आया, मोल को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आएगा। पर ये बहुत ज्यादा इजी हो गया, तो अगर ऐसा पूछना होगा ना तो इक्वेशन स्टेटमेंट टफ लिखा होगा, क्योंकि कैलकुलेशन इजी है तो स्टेटमेंट टफ होगा, ठीक। यस, तो ऐसे सम्स आप मॉड्यूल मैंने आपको भेज दिया है, आप खुद ट्राई कर सकते हो, मास 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 वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, ये सब आप ट्राई कर सकते हो, बहुत इजी है। अब हम बात करते हैं मोर देन वन रिएक्टेंट बेस्ड, तो डेटा जो है उसमें 2 का डेटा दिया होगा, तो क्या करना है, हमें LR फाइंड करना है, और जो लिमिटिंग रीजन होगा वो डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, समझ आ गया। अब LR कैसे डिसाइड करते हैं वो समझते हैं, हाँ लिमिटिंग रीजन कैसे डिसाइड करना है वो समझते हैं, बहुत ईजी है वो भी। सबसे पहले तो वही स्टोकियोमेट्री का मतलब जो स्टेटमेंट होगा उससे पहले इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के बाद क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद हमें डेटा गिवन होगा, तो डेटा गिवन होगा उसके पहले हमने इक्वेशन बैलेंस किया तो हमारे पास स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ गए, जैसे ए प्लस 2b गिव्स सी प्लस 2d, तो इसका ए, इसका 2, इसका 1, इसका 2, तो इसको हम समझ लेंगे ये स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, समझ आ गया होगा। अच्छा अब डेटा गिवन होगा दोनों का, मतलब इसका भी डेटा है इसका भी डेटा है। अब डेटा में क्या क्या हो सकता है, तो 3 डेटा हो सकता है, या तो अमाउंट दिया होगा, या तो वॉल्यूम होगा, या तो पार्टिकल होगा, तो उसको पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे, मोल्स में, हम तो मोल में डील करते हैं भाई, तो दोनों के क्या फाइंड किए हमने, मोल्स, वो जो मोल्स दोनों क्या है ना, अपॉन उसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करेंगे। अच्छा अब जो गिवन डेटा है ना उससे वो कंपेयर करेंगे, गिवन डेटा से जो कम होगा वो LR है। अच्छा फिर दोनों में से LR फाइंड हो गया, फिर वही वाला मेथड जो ऊपर हमने फॉलो किया था, क्या किया था हमने फॉलो, हमने लिखा था इतने में इतना तो इतने में कितना, पर अब किसको कनेक्ट करेंगे, जो LR है उसको कनेक्ट करेंगे, तो उधर इजी क्यों था, पता एक का ही डेटा था तो उसे डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, पर यहां पे 2 का डेटा है तो क्या किया हमने, पहले फाइंड किया, फाइंड करने के बाद हमने उसको कनेक्ट किया इतने में इतना तो इतने में कितना, ठीक है। ऐसा एक दो सम कर दे तो क्लियर हो जाएगा, जैसे ये है यहां पे लिखा है A2BC2D, A1 है ये 2 है, ये 1 है ये 2 है, ठीक है चलो। अब जैसे गिवन 3 मोल है, मतलब हमें डेटा में ऐसा नहीं है कि अमाउंट दिया है, पार्टिकल दिए हैं, वॉल्यूम दिया है, मोल दिए हैं, इसके 3 मोल है, इसके 9 मोल दिए हैं। अब दोस्तों इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखो तो ये 1 है तो ये 2 होना चाहिए, तो ये 3 है तो ये कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, हेलो हाँ, ये कितना है, 9 है, इसका मतलब ये एक्सेस है, तो अगर ये एक्सेस है तो ये क्या हुआ,
इसके अकॉर्डिंग फिर आगे सम होगा। इसमें डेटा में डायरेक्ट मोल दे दिया है तो स्ट्रगल नहीं है, पर अगर मास दिया है तो फिर मोल फाइंड करने पड़ेंगे, पार्टिकल है तो मोल फाइंड करने पड़ेंगे, वॉल्यूम है तो मोल फाइंड करने पड़ेंगे, फिर दोनों के मोल को कंपेयर, दोनों के मोल को स्टोक्योमेट्री से डिवाइड करेंगे। स्टोक्योमेट्री मतलब ये वन और टू, और उसमें जो डेटा कम आया उसको हम बोलेंगे वो एलआर है, फिर कनेक्ट करके आगे सम होगा। यस, देखो लिखा है एक्स कैसे फाइंड करना है, वो लिखा है गिवन वैल्यू मोल वॉल्यूम और मॉलिक्यूल अपॉन स्टोक्योमेट्रिक, व्हाट इज स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो बैलेंस किया उसमें जो आगे नंबर है वही स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे कि ये है, ए प्लस फाइव बी गिव्स सी प्लस थ्री डी विच इज एलआर, तो ए और बी गिव सी प्लस थ्री डी, गिवन 10 मोल ऑफ ए एंड 10 मोल ऑफ बी, दोनों के 10-10 मोल है, तो अब डायरेक्ट मोल दे दिए तो स्ट्रगल नहीं है, हम क्या करेंगे, जो मोल है अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, 10 बाय 1 10 आया और ये कितना है 10 बाय 5 के तो 2 आया, इसका मतलब एलआर कौन हुआ, ए एलआर थोड़ी ना हुआ, बी हुआ ना एलआर, समझ नहीं रहे हो, एलआर का मतलब ये है जो गिवन डेटा है उससे कम, समझ आ रहा है। मैं आपको इजी एग्जांपल देता हूं, ये छोड़ो डेटा छोड़ो, एक एग्जांपल समझो, हमारे पास है H2SO4 और NaOH, H2SO4 और NaOH, आपको इस लैंग्वेज में शायद जल्दी समझ आएगा, H2SO4 NaOH है तो पानी कितना बनेगा, कितना मोल पानी बनेगा, एक ही बनेगा ना, क्योंकि मैंने बोला एक ही H2SO4 है एक ही NaOH है, आपको फ्रीडम नहीं है कितना भी ले लो आप, एक H2SO4 है एक NaOH है, तो NaOH एक है तो OH एक है, तो H2SO4 में दो H है उसका क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है, एक H पड़ा रहेगा, समझ आया, तो वो H+ पड़ा रहा मतलब वो क्या हुआ एक्सेस रिएजेंट, और NaOH सब खर्च हो गया, मतलब NaOH जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। H3PO4 और NaOH, H3PO4 और NaOH, NaOH में एक OH है, H3PO4 में तीन H है, पर हमें क्या करना है, समझ आया कि नहीं, तो H एक्सेस में है, हाँ, तो NaOH जो है वो एलआर हुआ, समझ आया। ज्यादा डेटा गिवन है पर समझ नहीं रहे हो, रिएक्ट तो उतना ही करेगा जितना उसके पास रिलेटिव मास है दूसरा। मैं जनरली जब 11 में पढ़ाता हूं तो मैं बताता हूं कि चाय का एग्जांपल देता हूं, मैं जब 11 में पढ़ाता था लिमिटिंग रीजन के बारे में, जैसे चाय बना रहे घर में तो चाय बनाते वक्त चाय कितनी बनेगी वो कौन डिसाइड करता है, शुगर डिसाइड करता है, पानी डिसाइड करता है, दूध डिसाइड करता है, चाय का मसाला डिसाइड, कौन डिसाइड करता है कि चाय का अमाउंट कितना बनेगा, तो दूध जो है मिल्क जो है वो लिमिटिंग रीजन है, ये शायद पढ़ाया था मैंने आगे भी पता नहीं। फिर कुछ लोग बोलते हैं पानी डिसाइड करता है, तो फिर तो पानी से चाय थोड़ी बनती है, समझ शायद आया होगा। चलो फिर ठीक है, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं जिससे आपको थोड़ा शायद क्लियर हो, ऐसा मुझे लग रहा है इससे क्लियर होगा, एक एग्जांपल से। देखो डेटा कैसे सुनना, 1.6 ग्राम ऑफ SO2, 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड 1.5 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2S आर मिक्स्ड and allowed to remain in a contact in a closed vessel, मतलब दोनों को combine करके closed vessel में रख दिया, भर दिया हमने, until the reaction occurs, this
जब तक ये रिएक्शन नहीं होगा तब तक हम इसको एक कंटेनर में हमने इसको रखा हुआ है, प्रोसीड्स टू कंप्लीशन, ये कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। ठीक, अब इसमें बताना है कौन एक्सेस है, क्या बताना है? हाँ, ई आर कौन है, एल आर नहीं, एल आर लिमिटिंग रीजन, तो लिमिटिंग रीजन फाइंड करोगे, वो फाइंड करो एक ही है क्योंकि एक लिमिटिंग होगा दूसरा एक्सेस होगा। मैंने क्या बोला था आपको, अभी वही है ये, मैंने बोला था मोल नहीं दिया होगा, अमाउंट दिया होगा या वॉल्यूम होगा या फिर पार्टिकल्स होंगे, तो दोनों है। देखो आप, अब पहले तो इससे ही बता सकते हैं ये दो है तो ये एक है, तो तीन है तो दो है ये, और इसमें से ही एक्सेस रिएजेंट आया, क्योंकि रिएजेंट ही पूछा है यहां पे एक्सेस या फिर लिमिटिंग, एक्सेस पूछा है वैसे यहां पे, पर एक एक्सेस आएगा दूसरा लिमिटिंग आएगा। अब पहले मैंने बोला क्या फाइंड करोगे, इससे इसके मोल्स फाइंड करो, तो मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1.6 अपॉन सल्फर डाइऑक्साइड 32 कितना हुआ 64। एग्री? कोई कैल्सी, कोई यहां पे एस्ट्रोमैथ्स नहीं, बहुत इजी है ये। 1.6 को मैं 16 लिख दूं, 16 अपॉन 64 इंटू 10 का पावर माइनस 1, 16 4 जा बराबर कितना हुआ, ये 1/4 कितना हुआ 0.25 हुआ ना, इंटू 10 का पावर माइनस 1 0.025 हुआ। बोलो समझ आ गया? ठीक है, चलो अब मोल्स ऑफ H2S, क्योंकि H2S के मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1.5 इंटू 10 का पावर 22 अपॉन 6.022 इंटू 10 का पावर 23, तो 10 का पावर माइनस 1 हुआ ये। एग्री? ये बाहर में गया, इसको 1.5/6 समझ लूं मैं, इसको 15/6 समझ लूं मैं, तो 10 का पावर माइनस 2 हो गया, 3 2 5 5/2 2.5 इंटू 10 का पावर माइनस 2 0.025, तो n ऑफ H2S 0.025। इसके मोल्स और इसके मोल्स सेम है। अब ये दो है तो ये एक है, ये दो है तो ये एक है, मतलब आपको n ऑफ SO2 जो है, n ऑफ SO2 ये रहा, ये इससे आधा होगा, तो इसको बाय 2 कर दूं मैं, तो 0.0125 होना चाहिए ये, और कितना दिया है, तो कौन एक्सेस है? एग्जैक्टली, खत्म। मतलब ये होना इतना चाहिए, 0.0125 होना चाहिए, पर दिया इतना है, तो इसके इतने मोल, इसके इतने मोल से एक करेंगे, पर गिवन इतने हैं, तो हमें क्या करना है, तो ये एक्सेस है और ये एलआर है। समझ आया? बहुत ज्यादा इजी है, अब शायद क्लियर हो गया होगा, है ना? यस। तो एलआर और एक्सेस रेट ऐसे फाइंड होगा, और फिर जो एलआर होगा उसके अकॉर्डिंग हम एलआर को लेके इसका अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। इसके आगे सम पूछा हो सकता है कि इसका अमाउंट कितना बनेगा, तो किससे फाइंड होगा, वो एक्स्ट्रा से फाइंड होगा, इसके मोल्स फाइंड करेंगे, इसके मोल से इसके मोल फाइंड करेंगे, इसके मोल से इसका वॉल्यूम फाइंड हो सकता है, पार्टिकल फाइंड हो सकते हैं, और अमाउंट भी फाइंड हो सकता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पूरे केमिस्ट्री में फैला हुआ कॉन्सेप्ट है ये, इक्विवेलेंट वेट। व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? इक्विवेलेंट वेट क्या है? तो हम तो यही समझ रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट का मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूलर वेट है अपॉन करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ या फिर वैलेंसी करेंगे, अभी तक तो मैं यही पता है, पर और भी बहुत सारे मेथड हैं। तो पहले जो मेथड है वन बाय वन देखते हैं। चलो, सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है, तो जो एटॉमिक वेट है अपॉन वैलेंसी फैक्टर करेंगे। हाँ, वैलेंसी फैक्टर क्या है आपको पता है? ठीक है, यस, पता है ना वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? जैसे Na2CO3 है, Na2CO3 तो 2 लेना है, क्योंकि Na2 मतलब 2Na प्लस एंड CO3 माइनस 2, तो प्लस 2 माइनस 2 चार्ज है, तो 2 लेंगे हम। ठीक है, लिखा है KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, KMnO4 इन, हाँ, तो
फाइव लेना है. क्या लेना है? फाइव. क्योंकि KMnO4 एसिडिक मीडियम में Mn प्लस 2 में कन्वर्ट होता है. तो Mn का चार्ज पहले 7 है, फिर कितना हो गया? 2. 7 से 2 कितना चेंज हुआ? तो 5 लेना है. सर हमें कैसे पता चलेगा? मैं आपको हर एक एग्जांपल बताऊंगा अभी. मतलब हर एक तो नहीं, एक पर कुछ एग्जांपल लेंगे, फिर तो एग्जाम में तो कुछ नया ही आएगा. तो उतना करोगे तो आपके पास एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे करना है. तो equivalent weight is equal to atomic weight जो है upon करना है valency factor. equivalent weight of iron है तो उसका formula weight लेंगे upon valency करेंगे, ये भी ठीक. कोई acid है तो upon क्या कर देंगे? acidic strength. base है तो कर देंगे basic strength. जैसे H2SO4 है तो उसका molecular weight है by 2 कर देंगे. NaOH है तो उसका molecular weight है by 1 करेंगे. MgOH twice है तो molecular weight by 2. AlOH thrice By 3 कर देंगे. AlOH thrice, 3 है तो 3. तो H और OH कितने हैं उससे तो पता चल जाएगा. पर कभी कभी एसिड में जितने H होते हैं वो सब एसिडिक स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं. जैसे H3PO2 क्या है इसमें N फैक्टर? 1. H3PO2 में N फैक्टर कितना लेना है? 1 लेना है. H3PO3 2. H3PO4 हाँ. H2SO4 H2S2O8 2. अब ये कैसे पता चलेगा? बताया दोस्तों, पूरा केमिस्ट्री पढ़ लेंगे फिर पता चलेगा. क्योंकि पूरे केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड पढ़ेंगे अलग अलग, हम अलग अलग चैप्टर में. तो यू आर एबल टू आंसर. पी ब्लॉक में खास करके ये कंसेप्ट है ऑक्सो एसिड ऑक्सो एसिड का, या फिर केमिकल बॉन्डिंग में हम जानेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है. तो जितने एच इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड हो ना, वही एसिडिक स्ट्रेंथ में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. जितने एच ऐसे एलिमेंट से कनेक्टेड हो जिसके पास लोन पेयर हो वो एसिडिक एच है, ऐसा याद कर लो आप. जैसे OH होना चाहिए, पीएच नहीं होना चाहिए. मतलब अगर हाइड्रोजन ओ के साथ कनेक्टेड है तो वो एसिड है, पर हाइड्रोजन पी के साथ कनेक्टेड है तो एसिड नहीं है. क्या कर रहे हो तुम लोग? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल चार्ज. जैसे मैंने बताया अभी Na2SO4, तो इसका टोटल चार्ज प्लस 2, इसका चार्ज माइनस 2, तो 2 कैंसिल हुआ तो इसके लिए 2 लेंगे हम. इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था आपको KMnO4 वाला, कि KMnO4 अगर एसिडिक मीडियम में है तो KMnO4 जो है वो एसिडिक मीडियम में उसका चार्ज हो जाता है प्लस 2. तो पहले चार्ज था 7, फिर चार्ज कितना हुआ? 2. कितना चेंज हुआ? 5 का. तो इसका अगर आपको इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है तो मॉलिक्यूलर वेट बाय 5 करोगे आप, ठीक? हाँ. फिर डाइक्रोमेटाइन इन एसिडिक मीडियम, डाइक्रोमेटाइन इन एसिडिक मीडियम तो उसके लिए 6 करना है. क्योंकि डाइक्रोमेटाइन 6 से 3 में कन्वर्ट होता है, 6 से 3 में. तो कितना चेंज हुआ? 3, पर हम 6 लेंगे क्योंकि हमारी मर्जी नहीं, उसको रेडॉक्स को बैलेंस करना पड़ता है, और बैलेंस करेंगे ना तो 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा. डाइक्रोमेटाइन मतलब Cr2O7 माइनस 2 गिव्स, इसमें Cr का चार्ज क्या है बताओ? 6. डाइक्रोमेट में 6 होता है, याद कर लो. 7 2 14, सामने 14, 14 माइनस 2 12/2, 6 इधर 3. सीआर कितने हैं? तो 12 होगा ना. फिर सीआर 2 करने पड़ेंगे क्योंकि इधर 2 है तो 2 करने पड़ेंगे. तो कितना चार्ज हो गया? 6. कितना डिक्रीज हुआ? 6 डिक्रीज हुआ. तो रिडक्शन हुआ कि ऑक्सीडेशन? रिडक्शन. रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ठीक? ऑक्सीडेशन में रिमूव करते हैं. तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किए, तो इलेक्ट्रॉन का चेंज 6 का है ना, इसीलिए इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 6 करेंगे. बाकी इसके आगे हम सॉल्व करते हैं पूरा. क्या करते हैं हम? एसिडिक में एच प्लस ऐड करते हैं, फिर पानी ऐड करते हैं. इसके आगे हमने क्या किया था? माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 हुआ, 3 2 6 हुआ.
तो इधर कितने H प्लस ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये 14 ऐड करेंगे, कितने ऐड करेंगे 14 माइनस एट 6 हो गया, तो कितने H प्लस ऐड करेंगे, और जितने H प्लस ऐड करें उसका आधा पानी ऐड करना है सामने, जनरली ये बैलेंस हो गया रेडॉक्स, रेडॉक्स में चले गए। इलेक्ट्रॉन देख के नीचे लिखना है, ओके डन, तो ये बात हो गई। अब व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, सो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या है वो हमने देख लिया, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, एन फैक्टर क्या है वो भी देख लिया, वैलेंस ही है, एसिडिक स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ है। यस देखो लिखाइए, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट क्या है, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो इन दोनों को हम मोल बोल देंगे, तो ग्राम इक्विवेलेंट मतलब मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। अब दोस्तों नए मेथड है, थोड़ा ध्यान और ज्यादा रखना, इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने के और भी मेथड्स हैं, तो बहुत ही टिपिकल टाइप के सम नीट में इसमें से हो सकता है सम, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं समझने के लिए, और कहीं मेंशन नहीं करा होता ये। तो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है किसी का, तो वेट ऑफ मेटल गिवन होगा, वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस जो डिस्प्लेस हुआ वो गिवन होगा, उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट फाइंड हो जाएगा। यस, मतलब ऐसा मेटल लेना है जो एसिड के साथ हाइड्रोजन बनाता हो। देखो लिखे, दिस मेथड इज यूज फॉर दोज एलिमेंट्स व्हिच कैन इवॉल्व हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड, दैट इज फ्रॉम एस ब्लॉक, या फिर जिंक, या फिर टीन, एक्सेप्शन में जिंक टीन, ये सब भी हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो जो मेटल एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है ना, उसका इक्विवेलेंट वेट इस मेथड से फाइंड होगा, तो जो मेटल है उसका वेट अपॉन हाइड्रोजन का वेट जो डिस्प्लेस हुआ वो इनटू दिस ऑक्साइड फॉर्मेशन, जैसे आयन का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, वो सब दिया है, तो क्या करेंगे, तो नोन मास ऑफ एलिमेंट इज चेंज इनटू ऑक्साइड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सो द मास ऑफ ऑक्साइड, ऑक्सीजन का मास कितना होगा, तो जो मास ऑफ ऑक्साइड है वो मतलब पूरे स्ट्रक्चर का मास जो है वो, और एलिमेंट का मास माइनस कर दो, वो मास ऑफ ऑक्सीजन आएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे Fe2O3 जो है उसका मास गिवन है, तो ये रहा, Fe का मास भी गिवन होगा, Fe2O3 के मास में से Fe का मास माइनस करेंगे तो O का मास बाकी रहेगा। हाँ डन डन डन। अब अगर वो एलिमेंट Fe है उसका वेट फाइंड करना है, तो वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन जो हमने भी फाइंड किया इनटू कितना करना है, हाँ ये फॉर्मूला है, अगर क्लोरीन को रिप्लेस कर रहा है तो सेम 35.5 करना है। यहां एड इसलिए किया, ऑक्सीजन का जर्नलियम कितना लेते हैं, ओ का कितना लेते हैं 16 लेते हैं, पर जर्नली रिएक्शन को एक मोल के रेफरेंस से करना है, एक मोल के रेफरेंस करेंगे तो हाफ बनेगा, इसलिए 8 लिया है, और सीएल का उतना ही लिया, देखो 35.5, या फिर छोड़ो मैं क्यों लिया है ये तो भाड़ में गया, हमें याद कर लो ना भाई, हमें हाइड्रोजन है तो 1 से मल्टीप्लाई करना, ऑक्सीजन के लिए 8 से करना है, सीएल के लिए 35.5 से करना है, पर ऑक्साइड के लिए कुछ ट्विस्ट है कहानी में, पहले ऑक्सीजन का मास ऐसे निकालेंगे हम। चलो ठीक है, मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड भी है, और ये आप ये मत पढ़ो छोड़ो, ये इक्वेशन देखो तो आपको याद आएगा, दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, हाँ फैराडे का सेकेंड लॉ था ये, इक्वल वेट नहीं पढ़ा अभी, अच्छा पढ़ोगे भी बाद में, कोई बात नहीं, बहुत इजी है, दो जो मेटल है, जो एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है, अब कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, तो जो एक्टिव होगा वो दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, तो इन जनरल जिसका SRP कम वो सबसे ज्यादा एक्टिव, तो दूसरे मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है,
अगेन जिसका एसआरपी कम उसका रिएक्टिविटी ज्यादा, तो वो बाकी दूसरे मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, जैसे कि निकल और मैग्नीशियम। तो निकल और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम कैन डिस्प्लेस निकल, निकल कैन नॉट डिस्प्लेस मैग्नीशियम। व्हाई? बिकॉज़ द एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकल इज -0.25 एंड एमजी का है -2.37। तो किसका ज्यादा नेगेटिव है? एमजी का। तो एमजी का ज्यादा नेगेटिव है तो वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसका मतलब एमजी एनआई को रिप्लेस कर सकता है, एनआई एमजी को रिप्लेस नहीं कर सकता। मैं लिखता हूं यहां पे, क्योंकि अगर मुझे लग रहा है थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है आप लोगों को, तो मैं क्या बोल रहा हूं, कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, तो दोनों के हमें पोटेंशियल पोटेंशियल को कंपेयर करना है। जैसे मैंने निकल बोला ना, तो एमजी का पोटेंशियल है -2.37 और इसका है -0.25 वोल्टेज। दोस्तों दोनों का माइनस में है, हाँ देखो, और दोनों का देखो रिडक्शन पोटेंशियल है, तो जिसका एसआरपी कम वो ज्यादा रिएक्टिव। किसका एसआरपी कम है? तो इसका एसआरपी कम है मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो इक्वेशन ऐसा लिखा होगा ना, तो क्या बनेगा? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। कुछ नहीं होगा क्योंकि वो जो ज्यादा रिएक्टिव है वो मेटल फॉर्म में होना चाहिए, नहीं है। समझ आया? तो अगर ऐसा लिखा होगा ना Mg plus NiSO4 तो रिएक्शन होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि मनन बाथरूम में नहाने गया और मनन की सिल्वर की रिंग जो है वो MgSO4 में गिर गई। अब मैग्नीशियम है ना एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म करता है, मैग्नीशियम एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म करता है, तो सिल्वर की रिंग MgSO4 में गिर गई बाथरूम में, तो मनन शुड वरीड और नॉट, मनन को चिंता करने की जरूरत है कि नहीं है? पूछा गया है, देखा कैसे ट्विस्ट करके पूछा है। आपको दोनों के खाली पोटेंशियल रिफर करने हैं कि सिल्वर का पोटेंशियल है 0.80 प्लस में और Mg का पोटेंशियल है -2.37, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है? Mg। तो Mg क्या होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए, पर Mg का तो सॉल्यूशन है तो रिएक्शन होगा ही नहीं, तो मनन शुड नॉट वरी। चल, देखा क्वेश्चन का टाइप कैसा है। हाँ, तो दो जो है सॉल्यूशन में जो मेटल है और जो मेटल ओरिजिनली है रॉड फॉर्म में, इलेक्ट्रोड फॉर्म में, प्लेट फॉर्म में, उसका पोटेंशियल रिफर करो, जिसका पोटेंशियल कम वो रॉड फॉर्म में होना चाहिए, अगर वो सॉल्यूशन फॉर्म में है तो रिएक्शन नहीं होगा। हाँ, तो फिर यहां पे वही लिखा है कि दोनों का मास गिवन होगा, एक का इक्विवेलेंट वेट होगा, दूसरे का इक्विवेलेंट वेट आप फाइंड कर लोगे। ये फैराडेज लॉ है, सेकंड लॉ है। डबल डिकम्पोजिशन मेथड, डबल डिकम्पोजिशन मेथड में जैसे ए बी प्लस सी डी गिव्स ए डी प्रेसिपिटेट है, जैसे AgCl के प्रेसिपिटेट है, AgBr के प्रेसिपिटेट है ना, तो प्रेसिपिटेट सोल्यूशन में बन रहे हैं प्लस CB, तो किसी एक को आप पहले वो फाइंड कर लोगे कौन LR है, तो मास ऑफ AB अपॉन मास ऑफ AD जो प्रेसिपिटेट है वो इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा कि M1 by M2 इज इक्वल टू E1 by E2, ऐसा पढ़ा हमने, तो ये कनेक्ट कर लिया हमने। अब इसमें क्या करना है, दोनों का इंडिविजुअल फाइंड करना है, ए का बी का, दोनों को प्लस करेंगे और दोनों को इसको प्लस करेंगे, या फिर एक का डेटा होगा तो दूसरा फाइंड हो जाएगा इससे। तो ये कब होगा? जब डबल डीकम्पोजिशन। डबल डीकम्पोजिशन क्या है मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। ये जो था ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट इज LR by VPT। हाँ, वो LR यहां पे सपोज कर लिया इसलिए कि ये भी बना है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है सिल्वर सॉल्ट मेथड। अब सिल्वर सॉल्ट मेथड में भी वही इक्वेशन है, देख लो आप, क्या M1 by M2 is equal to, पर अलग अलग चीजें लिखी है। सिल्वर सॉल्ट में क्या करना है, तो सिल्वर सॉल्ट है कार्बोक्सिलेट का, उसका E1 Ag का E1 is equal to weight of silver salt upon weight of Ag, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Ag आप याद कर लेना, आपको याद हो गया होगा 108। कुछ पोटेंशियल की वैल्यू आप याद कर लेना, है ना, कुछ वेट भी याद कर लेना, क्योंकि पोटेंशियल शायद गिवन नहीं होते हैं,
आई एम नॉट श्योर, पर इतने सारे सम्स करोगे तो याद हो ही जाएगा। तो जिंक का भी याद हो गया आपको, कितना है जिंक का पोटेंशियल? -0.76, कॉपर का +0.34, एजी का 0.80, एमजी का -2.36, लिथियम का -3.05, फ्लोरिन का 2.87, याद हो जाएगा धीरे धीरे। इलेक्ट्रोलाइसिस वही मेथड जो अभी लिखा वही सेम। अब है एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, वो तो ठीक ही है, अभी हमने वही तो किया, एटॉमिक वेट जो था उसको वैलेंसी से डिवाइड कर दिया तो फाइंड हो गया। अभी गदर है ड्यूलॉन्ग और पेटिट, इसने बोला है कि एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए और एक मेथड है, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सॉलिड्स, सॉलिड के लिए ही है ये, एक्सेप्ट बेरिलियम बोरॉन सिलिकॉन कार्बन। क्या करेंगे, आपको स्पेसिफिक हीट गिवन होगा और उससे वेट फाइंड करना है एटॉमिक मास, तो ये मेथड है। 6.4 नंबर जो है वो याद कर लो, अपॉन स्पेसिफिक हीट गिवन होगा, ठीक। तो ये करेंगे डिवाइड तो क्या फाइंड हो जाएगा? यस, कितने सारे मेथड हैं, प्रैक्टिस करोगे या कंटिन्यू पढ़ोगे ना तब याद रहेगा, और इसके सम्स फ्रीक्वेंटली करते रहोगे तो ये सब याद रहेगा, वरना क्या होगा, जो नया पढ़ोगे वो याद होगा, जो जूनू से बदू धीमे धीमे धूड़ लगती जैसे, क्योंकि कितना सारा है तो बार बार